सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3i इंफोटेक LTD के बारे में। गाइस, ये काफ़ी सस्ता शेयर है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप छोटे अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो। सो गाइस, काफ़ी अमेजिंग ये वीडियो होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो 3i इंफोटेक में आ गया हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 8 रुपये 45 पैसे का स्टॉक है और काफ़ी अच्छे रिटर्न से देने वाला है। और वही अगर मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कैप आप देख सकते हो यहाँ पर 13 रुपये 70 पैसे, 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वही अगर हाई की बात करूँ तो 11 रुपये का हाई भी है और 2 रुपये का इसका लो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और वही अगर बात करें इसके आगे में, इसके आगे क्या हो सकता है, एक महीने के चार्ट फ्रेम की मैं बात करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो स्टॉक 90 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, स्टॉक 90 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और सीधा यहाँ पर 26 अगस्त से जो इसमें गिरावट आई, 26 अगस्त से जो इसमें गिरावट आई, लगभग स्टॉक 81 रुपये तक गिर गया है, 81 रुपये तक स्टॉक गिर गया है। वही अगर 6 महीने के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 61 रुपये की गिरावट आपको देखने को मिलेगी और 1 साल के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 30 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी। और पिछले रिकॉर्ड अगर इसके चेक किए जाए इसके, तो स्टॉक लगभग चल रहा था 1500 रुपये के प्राइस पर, 1500 रुपये के प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो अब काफ़ी नीचे तक आ गया है। तो 482 रुपये का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। अगर बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की तो काफ़ी माइनस में स्टॉक चल रहा है और रेवेन्यू भी इसके काफ़ी कम है। वही अगर मार्च 2021 की बात की जाए तब भी इसमें कम रेवेन्यू है और कैश तब था कंपनी के पास, बट अब ये कंपनी मान लीजिए काफ़ी हद तक नीचे आ गई है। वही अगर न्यूज़ की बात की जाए तो स्टॉक में ज़्यादातर न्यूज़ भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और वही अगर देखें इसके चार्ट के बारे में, तो चार्ट के बारे में एक चीज़ तो यहाँ पर पॉजिटिव है कि ये स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये स्टॉक सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया था, लगभग 11 रुपये तक, और नीचे आ गया था वापस से। तो नीचे ये कहाँ तक आया था गाइस, 6 रुपये 65 पैसे के आसपास आया था और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है। आप पिछला रिकॉर्ड भी इसका देखो तो यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है और आगे भी यहीं पर सपोर्ट लेके आगे स्टॉक जाने वाला है। वही अगर देखा जाए इसका पिछला रिकॉर्ड 1 वीक चार्ट फ्रेम पर, हम देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा था और ये जो बीच में ये जो ब्रेकआउट है, एक कह सकते हैं हमें फेक ब्रेकआउट यहाँ पर मिला था, बट ये फेक ब्रेकआउट के हिसाब से नहीं जाना चाहिए था। बट ये अच्छा खासा ऊपर की ओर स्टॉक गया था और फिर से नीचे आया और नीचे आते आते आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी आ गया है। तो स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्टॉक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया और यहाँ से अच्छे लेवल्स के ऊपर जाने वाला है। तो काफ़ी टारगेट से हिट्स कर सकता है आने वाले टाइम में। और अगर इसके ज़्यादा पीछे जाया जाए तो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा था, 164 रुपये तक भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा था। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो अगर 8 महीने के चार्ट, सॉरी 1 वीक के चार्ट फ्रेम पर भी अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है। यहाँ पर ये डबल, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉटम जैसा कुछ पैटर्न बन रहा था और इसके बाद ही ब्रेकआउट मिल गया था, बट कुछ इश्यूज़ के कारण इसमें ऊपर की ओर स्टॉक नहीं जा पाया, बट यहाँ से फिर से रिवर्स होकर नीचे की ओर आ गया और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और अब यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न से देने वाला है। तो अगर ये बात हो गई, अब बात करते हैं 1 मंथ चार्ट फ्रेम के हिसाब से। 1 मंथ चार्ट फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसे ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट मिला है, ऊपर जा रहा है स्टॉक और यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जाएगा और अच्छे हाई राइज अचीव कर सकता है आने वाले टाइम में। सो गाइस, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो काफ़ी सही समय है और काफ़ी सस्ता स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, छोटे अमाउंट के साथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिटर्न से दे सकता है। सो गाइस, वीडियो
वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।